नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहे देश का कोई भी नागरिक। आयुष्मान भारत योजना के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना से मिला गरीबों को लाभ। आयुष्मान भारत मोबाइल ऐप और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का किया शुभारंभ। आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन। आतंकवादियों की मदद करने वालों को अलग थलग किया जाना चाहिए। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। आतंकवाद के खिलाफ भारत के शांति और विकास के नजरिए को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। केंद्र सरकार लाएगी सिटीजन अमेंडमेंट बिल। हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई शरणार्थियों को दी जाएगी भारत की नागरिकता। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। कहा, एनआरसी लाकर घुसपैठियों को करेंगे देश से बाहर। ममता सरकार पर एनआरसी को लेकर बंगाल की जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र की नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी ने जारी की 125 उम्मीदवारों की लिस्ट। कोथरूड से चुनाव मैदान में होंगे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल सीट से भरा पर्चा। भारी बारिश से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। केंद्र ने दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक माह का वेतन बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का किया ऐलान। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत के एक साल पूरा होने पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत देश का क्रांतिकारी कदम है। 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। आयुष्मान भारत देश के सभी गरीबों को इलाज मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प है कि सभी नागरिकों तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का लोकार्पण किया और आयुष्मान भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा, इससे लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। भारत में हेल्थ केयर को लेकर जिस प्रकार होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है, जिस स्केल पर काम हो रहा है, और दुनिया के लिए एक अजूबा है, हैरान है दुनिया। भाइयों और बहनों, संयुक्त राष्ट्र में मौजूद दुनिया भर के प्रतिनिधियों को मैंने बताया कि कैसे हम स्वस्थ भारत को चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा कर रहे हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। दूसरा, एफोर्डेबल हेल्थ केयर। तीसरा, सप्लाई साइड का सुधार। और चौथा, राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसे मिशन मोड इंटरवेंशंस का है। आयुष्मान भारत से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की डिमांड से बढ़ोतरी हो रही है। अब वो गरीब मरीज भी अस्पताल पहुंच रहा है जो कभी इलाज के बारे में सोचता तक नहीं था। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की तो वो कल्पना तक नहीं कर सकता था। आज पीएम जय की सेवा देने वाले 18,000 से अधिक अस्पतालों में से करीब 10,000 यानी ऐसे आधे से अधिक अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत पर पीएम जय प्रदर्शनी को भी देखा, साथ ही आयुष्मान भारत अभियान के हितग्राहियों से मुलाकात की और उनके अनुभव से रूबरू हुए। स्कीम ने एक साल में 47 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया, जिसमें अब तक सरकार की ओर से 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना के तहत 18,000 से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ा गया है। दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने का ऐलान करेंगे। ये वो मौका है जब देश महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मनाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में शौचालयों का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए राज्यसभा टीवी के संवाददाता मोहम्मद फाते टीपू अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। 2 अक्टूबर को देश जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा होगा, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यानी अहमदाबाद की सरजमीन से पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे। हम इस वक्त यहाँ पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पर हैं। साबरमती आश्रम में कल का जो कार्यक्रम है पीएम मोदी का, वो शाम 6 बजे इस आश्रम में आएंगे। उसके बाद जो ये गांधी जी की प्रतिमा है, यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद यहाँ स्थित जो हृदय कुंज है पीएम मोदी का, वहाँ पे जाने का कार्यक्रम है। हृदय कुंज वही स्थान है जहाँ पर कस्तूरबा गांधी के साथ महात्मा गांधी ने 17 साल बिताए थे और वहीं से आज़ादी के संघर्ष को गति दी थी। करीब 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो ठीक बगल में रिवर फ्रंट है, वहाँ पर 20,000 जो सरपंच के प्रमुख हैं, पंचायत के प्रमुख हैं, तमाम देशी विदेशी प्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री उनकी मौजूदगी में ऐतिहासिक घोषणा करेंगे, जो 2014 से स्वस्थ भारत मिशन के तहत स्वच्छ अभियान का जो कार्यक्रम था उसके तहत करीब 10 करोड़ शौचालय भारत में बनाए जा चुके हैं। उस अभियान को गति देते हुए प्रधानमंत्री उस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पड़ोसी देश की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का भारत पूरे संयम के साथ करारा जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन है, आतंकवादियों की मदद करने वालों को अलग थलग किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने हमेशा से ही शांति, सहिष्णुता, भाईचारे और सद्भाव के सिद्धांत का पालन किया है। उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद के खिलाफ भारत के शांति और विकास के नजरिए को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने टकराव की प्रवृत्ति की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकल्प पेश किया। प्रधानमंत्री ने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की शांति और विकास के नजरिए को दुनिया के सामने मजबूती से पेश किया है। टेररिज्म इज द एनिमी ऑफ मैनकाइंड। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी फॉर टेकिंग ए फर्म एट डिग्निफाइड स्टैंड अगेंस्ट दीज हाईली कंडेमनेबल एक्ट्स ऑफ आवर नेबर। आई एम ऑल्सो ग्लैड दैट इंडिया इफेक्टिवली अनवील्ड इट्स विजन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फॉर ह्यूमैनिटी at the ongoing 74th UN General Assembly session, in contrast to the mindset that believes in violence, terrorism and warmongering for short-sighted vested interests. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने हमेशा ही शांति, सहिष्णुता, भाईचारे और सद्भाव को महत्व दिया है और पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद का संयम के साथ मजबूती से जवाब दे रहा है। As we strive to bring peace and prosperity to the subcontinent, Shastriji's words serve as a guiding light. It tells us that a subcontinent at peace benefits all and the constant strife, hostility, conflict and terror drags us all down. Since the times immemorial, India has always embraced the value of peace, tolerance, brotherhood and harmony. We have continued to firmly adhere to these values in spite of grave provocations from our neighbor
who unabashedly aids and abets terrorism, India has handled the escalation of tensions with remarkable restraint, grace and poise. वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर मंजू शर्मा को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान करते हुए उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्री जी शांति को समृद्धि का पहला कदम मानते थे। उनके विचार भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और समृद्धि के लिए अहम है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि एनआरसी देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कोलकाता में एनआरसी पर जन जागरण अभियान में गृह मंत्री ने अपने भाषण में इससे जुड़े तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाएगी। कोलकाता में एनआरसी पर जन जागरण रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भले ही कोई लाख कोशिशें कर ले, लेकिन बंगाल में हर हाल में एनआरसी को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी पर हिंदू शरणार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जल्द लाने वाली है, जिसके बाद हर नागरिक को उसका अधिकार मिल जाएगा, लेकिन एक भी घुसपैठियों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। ये सीए भी क्या है? ये सीए भी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं, वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान करनी। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 73 साल के बाद बंगाल की जनता की कृपा हो गई, आपने 18 सीटें मोदी जी को दे दी। मोदी जी ने पहले ही सत्र में एक झटके में धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंकने का काम किया। और मित्रों, 73 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का सारा है। आज मोदी जी ने वो नारे को वास्तविकता में बदलकर कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बना दिया। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एनआरसी पर दोहरे रवैये की भी आलोचना की। साथ ही उन्होंने उन संशयों पर भी विराम लगा दिया जो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने पर जनता के मन में पैदा हो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर और पूर्णिया सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति खराब है। पटना के निचले इलाकों में पानी भर गया है। राज्य में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक माह का वेतन बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार में बाढ़ ने सामान्य लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राहत कार्य के लिए हम सभी को हर तरह से योगदान देना चाहिए। मैं अपने राज्यसभा के एक माह का वेतन बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज रहा हूं। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित कई नेताओं ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा के साथ लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से जीएमसी बालयोगी पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तिका भेंट की गई। जीएमसी बालयोगी 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और 13वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य और आंध्र प्रदेश सरकार में उच्चतर शिक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके थे।
3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देश अब आगे बढ़ रहा है और देश की युवा प्रतिभा सिर्फ मेक इन इंडिया को अपनाकर देश को बुलंदियों पर ले जाएंगे। जन जन में स्वदेशी की अलख जगाने वाले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने एक नाटक के जरिए सत्य और अहिंसा पर चलने की सीख दी। दिल्ली के अलावा कर्नाटक, राजस्थान, असम और उत्तराखंड के कुछ छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से संवाद भी किया। क्या है गांधी जी और एक नाटक के माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया और जो समस्याएं दिखाई गई, लेकिन अंत में निचोड़ ये है कि नहीं, गांधी तब भी जिंदा थे, आज भी गांधी जिंदा हैं और कल भी गांधी जी जिंदा रहेंगे। समारोह में प्रकृति संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेड़ लगाने के सुझाव के अलावा प्लास्टिक छोड़ो आंदोलन का नारा भी दिया गया। ये सिंगल यूज प्लास्टिक, ये तो पानी की उसको भी हर दृष्टि से जीवन के लिए घातक, और जब जीवन के लिए घातक है, भविष्य के लिए घातक है। जैसे गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इस समय भी हम ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक भारत छोड़ो। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बच्चों को महीने में एक दिन स्वेच्छा से खादी के कपड़े पहनकर आने का सुझाव भी दिया और कहा, ना अब मेड इन चाइना, ना मेड इन जापान, अब सिर्फ मेड इन इंडिया का डंका बजेगा। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। चीन के 70वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आज सिक्किम के नाथुला में भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना और चीनी पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी के बीच BPM यानी बॉर्डर पर्सोनल मीट का आयोजन किया गया। मुलाकात के दौरान रंगारंग कार्यक्रम हुए और एक दूसरे को तोहफे दिए गए। दोनों देशों की सेना की ओर से 5-5 कार्यक्रम भी पेश किए गए। चीन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ये वो मौका है जब BPM यानी बॉर्डर पर्सोनल मीट हो रही है, यानी कि भारतीय सेना और चाइना की PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उनके बीच में मुलाकात होती है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, नाथुला नॉर्थ सिक्किम का ये इलाका है जो साहब भारत की सीमा चौकी है। चीन के सैनिक खड़े हुए हैं और बॉर्डर पर्सोनल मीट के तहत दोनों देशों के सैनिक मिल रहे हैं और एक्सचेंज हो रहा है। और ये चीन का वो इलाका है जो नाथुला के उस पार पड़ता है, और ये नाथुला का इलाका बहुत लंबे समय से ऐतिहासिक रहा है क्योंकि भारत की सेना का यहाँ डिप्लॉयमेंट है। और 1967 में जब यहाँ पर एक संघर्ष हुआ था और उसके बाद से भारतीय सेना ने यहाँ पर अपने वर्चस्व को स्थापित किया। इंटरनेशनल बॉर्डर भी यहाँ पर लगता है नाथुला में। इस नाथुला का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये एक दोनों देशों के बीच में ट्रेड का एक सेंटर भी है, और हाल के दिनों में जिस तरह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की गई है, नाथुला का महत्व उससे भी बढ़ जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि जब वुहान की समिट हुई, वुहान की जो मुलाकात हुई दोनों देशों के नेतृत्व के बीच में, उसके बाद से भारत और चीन उसकी सीमा के बीच में जो विवाद है उसको आपसी बातचीत से, आपसी बैठक में करके उसको निपटाने का जो है फैसला किया गया, और उसके बाद से इन तरीकों को फॉलो किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ऐतिहासिक क्षण है जब BPM जो कि 5 स्थानों पर होती है भारत और चीन की 3,500 की सीमा के बीच में, उनमें से एक नाथुला है और एक महत्वपूर्ण स्थान जहां पर की सीमा का जो भारतीय सीमा है और चाइनीज सीमा, उसके पास हम अपने दर्शकों को लेकर आए हैं। और ये बहुत ही रेयर ओकेजन है जब भारतीय मीडिया को भी इसकी एसेस मिली है। नौ सिक्के में नाथुला में पंचानन मिश्रा, राज्यसभा TV, कैमरामैन जितेंद्र नेगी के साथ। और फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें, और साथ ही आपको दिखाएंगे दोनों राज्यों के दिग्गज चेहरों पर हमारी खास रिपोर्ट। ये सब आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अभिलाषा।
राज्यसभा में किन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में केवल दिल्ली और पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि इन्हीं दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। जो राज्यसभा ये मुहिम चला रही है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन 20 उसके अपने 20,000 सदस्यों के द्वारा इसका पूरा समर्थन करते हैं और इस मुहिम में साथ जुड़ते हैं, और हम अपने मेंबर से अपील भी करेंगे इस मुहिम में साथ जुड़ें और अपने को साथ में अपने पेशेंट्स को, क्योंकि एक डॉक्टर एक अकेला आदमी नहीं होता, उसके साथ एक पूरी एक पेशेंट होते हैं, उसकी एक सोसाइटी होती है, उन सबको इस मुहिम में जोड़े और इसमें सहयोग करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आज चुनावी रण में हम बात करेंगे कैसे लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने और केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी की नज़र महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता पर दोबारा काबिज होने पर है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे इन दोनों राज्यों में खोई हुई सत्ता को वापस हासिल किया जाए। ऐसे में खास है उन राजनीतिक चेहरों की अहमियत जिन पर जिम्मा है अपने अपने प्रदेश में पार्टी की नैया पार लगाने की। लेकिन सबसे पहले बात आज महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में क्या कुछ खास रहा वो देखने की। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से मैदान में होंगे। सतारा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी ने उदयन राज भोसले को टिकट दिया है। दो में गलत हलफनामा देने के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुकदमे का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट को रद्द कर दिया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। महाराष्ट्र में एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी को लेकर आश्वस्त हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी मिलकर देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौती पेश करने की कोशिश में जुटे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। सूबे की सियासत में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। अपने कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन नीतियों को तवज्जो दी जिनमें महाराष्ट्र के लोगों को उनका फायदा तो दिखा ही, साथ ही इन फैसलों ने मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को भी बढ़ाया। सहयोगी दल शिवसेना के साथ 5 साल तक तालमेल बनाए रखने में देवेंद्र फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई है। किसानों के मुद्दों से लेकर पानी की समस्या तक जब भी राज्य सरकार पर सवाल उठे
तो समस्याओं का समाधान कर देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ विरोधियों को करारा जवाब दिया बल्कि सवाल उठाने वाले सहयोगी दलों को भी अपने पाले में कर लिया। अमित भाई आगे बढ़ो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। इस बार चुनाव में शिवसेना ने भी बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व बढ़ाने के लिए पार्टी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को आगे किया है। शिवसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सीधे चुनाव मैदान में दिखेगा। कांग्रेस एनसीपी में अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल सरीखे, कई ऐसे नेता हैं जिनका सूबे की राजनीति में अपना अलग रसूख है, लेकिन सत्ता हाथ में नहीं रहने के चलते ये नाम हाशिए पर दिखाई देने लगे हैं। मुंबई से नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में बीजेपी की रणनीति कांग्रेस उम्मीदवारों की घेरेबंदी करने की है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के भारी भरकम उम्मीदवारों के खिलाफ दमदार प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इनके अलावा अन्य विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खासी मशक्कत कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। मनोहर लाल खट्टर ने जब से प्रदेश की कमान संभाली तब से कई बार ऐसे मौके आए जब प्रदेश की राजनीति में उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठे, लेकिन मुख्यमंत्री ने न सिर्फ तमाम चुनौतियों को पार किया बल्कि प्रदेश की जनता और केंद्रीय नेतृत्व में अपने काम करने की नीति को लेकर भरोसा मजबूत किया। एक लीडर के तौर पर वो इमर्ज हुए हैं, उन्होंने सिस्टम को पारदर्शी बनाया है। जो एक वंशवाद की राजनीति चली आ रही थी या जो एक सोर्स सिफारिश और तमाम जो तौर तरीके अपनाए जाते थे, वो जो चीजें थी वो किसी हद तक इनके शासनकाल में खत्म हुई हैं। तो इसका श्रेय तो कम से कम मनोहर लाल को दिया ही जाएगा। वहीं चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव के कड़वे अनुभव हैं। पार्टी के सभी दिग्गजों को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर हालात बदलना चाहती है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल हरियाणा की कमान भी संभाली है। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये एक नॉन जाट को मोबिलाइज किए काफी अच्छे तरीके से और उनका बेनिफिट इनको हासिल है, बट अभी जो INLD का जो स्प्लिट हुआ है उसका बेनिफिट भी इनको मिलने वाला है। राजनीतिक दलों को एक तरफ रखें तो हरियाणा की राजनीति अक्सर कुछ परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और भजनलाल, ये वो नाम है जिनकी हरियाणा की राजनीति में अपनी अलग पहचान है, लेकिन इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनके वारिसों को आज संघर्ष करना पड़ रहा है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और बीजेपी ने इस बार 75 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। 2014 में जहां मनोहर लाल खट्टर को नया और अनुभवहीन नेता माना जा रहा था, वहीं पिछले 5 साल में उन्होंने कई जनहित के अहम फैसले लेकर अपने आप को एक मंझे हुए नेता के तौर पर प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उनकी सरकार के कई अहम फैसलों के चलते इस बार बीजेपी ने उनको अपने नेता के तौर पर जनता के सामने खड़ा किया है और साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने कई फैसलों की वजह से बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी पिछले 5 साल में तैयार किया है। करनाल से कैमरामैन सरोज और संदीप सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर, आज का विषय SC ST एक्ट और सुप्रीम कोर्ट।